वो दिन दूर नहीं जब पीओके पर होगा भारत का अधिकार। तिरंगा यात्रा में पाकिस्तान पर बरसे धर्मगुरु मलंग बाबा। सिरसागंज में ऐतिहासिक आयोजन किया गया। यहाँ इकट्ठा हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों ने गुलाम जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने की जोरदार आवाज बुलंद की। कहा कि पाकिस्तान ने भारत के उस हिस्से पर कब्जा कर रखा है। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव में अब वक्त आ गया है जब उस क्षेत्र को भी देश में शामिल कर अखंड जम्मू कश्मीर के सपने को पूरा किया जाए। बता दें, सभा में तब्दील हुई यात्रा आरएसएस का फ्रंटल संगठन राष्ट्रवादी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एमआरएम द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल देश के कोने कोने से आए शाह मलंग प्रकोष्ठ के लोग गुलाब वाटिका से सिरसागंज चौराहा तक। यह यात्रा पुनः गुलाब वाटिका में सभा में तब्दील हुई, जहां उन्हें आश्वस्त करते हुए राष्ट्रीय संयोजक ताहिर शाह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच शाह मलंग प्रकोष्ठ ने कहा कि गुलाम जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अखंड हिस्सा है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के कब्जे वाला वो क्षेत्र एक बार फिर भारत से जुड़ जाएगा। तिरंगे से पटा सिरसागंज चौराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को शुरू से ये डर सताता रहा है कि गुलाम जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग भारत के कश्मीर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से जुड़ना चाहेंगे, इसलिए वह वहाँ के लोगों पर हमेशा जोर ज्यादती करता रहता है। उन्होंने इसके लिए अंग्रेजी सरकार तथा पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर अंग्रेजों ने षड्यंत्र न किया होता तो प्रधानमंत्री उनकी बातों में न आते और वो हिस्सा भी भारत का ही होता। इस दौरान तिरंगों से पटा हुआ यात्रा में लोग गुलाम कश्मीर के लोगों के समर्थन में नारा लगा रहे थे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का नारा है।